Hello students welcome to shweta yadav tutorials please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates in the last video we have discussed about the packaging of dna or the packaging of dna helix in the eukaryotic cell in this video we will discuss about the packaging at higher level वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्व मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसार्ट दैकेजिंग की पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन की मदद ली जाती है को पैक करता है तो इसकी पैकिंग करने में यहां पे ये जो डीएनए है ये हिस्टोन पे बाइंड हो जाता है और जैसे जैसे ये डीएनए हिस्टोन पे बाइंड होता है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं बहुत सारे बीड्स बन जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सात बीड्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं एंड सिंगल बीड इज नोन एज न्यूक्लियोसोम ये सिंगल बीड क्या है ये सिंगल बीड है न्यूक्लियोसोम तो मैं यहां लिख देती हूं ये है न्यूक्लियो सोम क्लियर ये सिंगल बीड है न्यूक्लियोसोम जिस पे डीएनए बाइंडेड है जिस पे डीएनए बाइंडेड है और अंदर मौजूद है हिस्टोन प्रोटीन अंदर क्या मौजूद है हिस्टोन प्रोटीन अब बहुत ध्यान से समझनी एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया था इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था यह डीएनए है अब यह जो डीएनए है यह कौन सा डीएनए है जो बाइंड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग डीएनए बाइंडिंग डीएनए इस डीएनए के की बाइंडिंग को टाइट करने के लिए इस डीएनए के की बाइंडिंग को टाइट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है हर जगह यहाँ पे क्या मौजूद है एच वन हिस्टोन 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 क्लियर और हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों तरफ जो बाहर निकल रहा है ये और ये ये वाला पोर्शन ऑफ द डीएनए जो बाहर निकल रहा है इसको हमने बोला था लिंकर डीएनए क्या बोला था इसको लिंकर डीएनए तो ये जो बाइंड हो रहा है बाइंडिंग डीएनए जो बाहर निकल रहा है लिंकर डीएनए और इस बाइंडिंग को जो कस के टाइट कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन सेम यहां जो बाइंडिंग को टाइट कर रहा है दैट इज एच वन हिस्टोन प्रोटीन तो यहां पे हर जगह क्या है एच वन एच वन एच वन एच वन एच वन एच वन एंड एच वन क्लियर अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एच वन है जो इस डी एन ए के बाइंडिंग को टाइट कर रहा है बाइंडिंग डी एन ए को टाइट कर रहा है डीएनए के बाइंडिंग को टाइट कर रहा है इस एच वन के बीच में इंटरक्शन हो जाता है और जब इस एच वन के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है तो ये छे, -छे न्यूक्लियोसोम का सेट बना लेता है और इस छे छे न्यूक्लियोसोम के सेट को हम बोलते हैं सोलिनॉइड क्या बोलते हैं इसको सॉली नॉय तो हम यहां देख भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ न्यूक्लियोसोम का सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ न्यूक्लियोसोम का सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ न्यूक्लियोसोम का सेट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि एच वन के इंटरेक्शन की वजह से ये जो न्यूक्लियोसोम है इन्होंने ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप को हमने क्या बोला इस ग्रुप को हमने बोला सोली अब बहुत ध्यान से एक बात समझना कि जब हम डीएनए की पैकिंग की बात करते हैं क्रोमेटिन लेवल पे पैकिंग की बात करते हैं तो क्रोमेटिन लेवल पे पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन करता है यानी कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड हो जाता है और क्रोमेटिन थ्रेड बन जाता है या क्रोमेटिन बन जाता है यानी कि क्रोमेटिन बनाने तक हिस्टोन प्रोटीन काम में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब ये कौन सी कंडीशन है जब हमारी बॉडी की सेल में क्रोमेटिन मिलेगा जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है जब सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है यानी कि डिवाइड होने से पहले डिवाइड होने के बाद वाली जो सेल है उन सभी सेल में क्या मिलेगा क्रोमेटिन मिलेगा यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड जैसा मिलेगा किसी भी सेल में और उसी जो थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे क्रोमेटिन तो अगर हम हमारी बॉडी सेल की बात करें तो हमारी बॉडी की सेल में जो डीएनए है या क्रोमेटिन है वो सोलिनॉइड की फॉर्म में मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा सोलिनॉइड की फॉर्म में मिलेगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि जो हमारा डीएनए है उसकी लेंथ बहुत लंबी है और उस लंबी लेंथ को कम करना और सेल में एडजस्ट करने के लिए यहां पे क्या बन जाते हैं सोलिनॉइड्स बन जाते हैं आई अगेन रिपीट डीएनए था डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड हुआ क्रोमेटिन बना क्रोमेटिन बना इस क्रोमेटिन में जो बीड्स हैं उनको हमने बोला न्यूक्लियोसोम

क्रोमेटिन है वो किस फॉर्म में होता है क्रोमेटिन सोलिनॉइड की फॉर्म में होता है किस फॉर्म में होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रोमेटिन सोलिनॉइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लियर अब क्या होता है अब बहुत ध्यान से समझना है कि जब हमारी बॉडी में सेल डिवाइड हो रही होगी या जब सेल डिवाइड होगी तो सेल डिवीजन के वक्त यहां पे क्या होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो इसके लिए छोटा सा कांसेप्ट हम समझे कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रही तो यहां पर सोलिनॉइड की फॉर्म में है इस तरीके से प्रेजेंट है किस फॉर्म में है सोलिनॉइड की फॉर्म में है जब सेल डिवाइड नहीं हो रही क्लियर जैसे ही सेल इज अबाउट टू डिवाइड द सेल इज अबाउट टू डिवाइड तो हमें पता है कि जब हमारी सेल डिवाइड होने वाली होती है तो उसमें इंटरफेस आता है जीवन एस फेज जी टू फेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेजेज ये सारे फेजेस चलते हैं हमारी बॉडी की सेल में राइट right? तो हम क्या देखेंगे जी एस वन जी वन एस फेज जी टू फेज यहां तक ये कैसा है ये प्रेजेंट है क्रोमैटिन सोलिनॉइड के फॉर्म में या क्रोमैटिन के फॉर्म में है अब क्या होता है जैसे ही सेल की एंट्री प्रोफेज में होती है हो, हो कुछ भी हो जैसे ही प्रोफेज में होती है तो हम क्या देखते हैं कि प्रोफेज में एक सेल के अंदर का जो क्रोमैटिन मटीरियल है सेल के अंदर की जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है दिस क्रोमैटिन मटेरियल ये न्यूक्लियस के अंदर है

क्रोमोसोम तो प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम दिख जाते हैं बट जैसे ही सेल डिवीज़न मेटाफेज़ में एंटर करता है तो मेटाफेज़ में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है कंडेंसेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हमें मेटाफेज़ में जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं और अगर हमने हम क्वेश्चन देखें कि क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी किस फेज में की जाती है तो मेटाफेज में की जाती है क्योंकि क्रोमोसोम बिल्कुल होते हैं कंडेंस होते हैं और प्रॉपरली विजिबल होते हैं इसलिए मेटाफेज में क्रोमोसोम को पढ़ना या देखना आसान होता है उनकी स्टडी करना आसान होता है क्लियर है तो यहां पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन ड्यूरिंग प्रोफेज प्रोफेज में क्या होता है कि यहां पे जो क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है अब फिर से एक और प्रॉब्लम यहां पे राइज हो जाएगी क्रोमेटिन को कंडेंस्ड करके क्रोमोसोम बनाना है इसको कंडेंस्ड करना है क्रोमोसोम बनाना है क्रोमेटिन को कंडेंस करके जब क्रोमोसोम बनाया जाता है तो फिर से पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है अब इस पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता हिस्टोन प्रोटीन का रोल कब तक होता है जब डीएनए से क्रोमेटिन बनाना होता है तब तक डीएनए से जब क्रोमेटिन बनाना है तब तक हिस्टोन प्रोटीन काम में आता है बट जब क्रोमेटिन से जब क्रोमेटिन से हमें या सोलिनॉयड से क्रोमेटिन सोलिनॉइड से हमें क्रोमोसोम बनाना होता है हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्रोमेटिन से क्रोमोसोम जब हमें बनाना होता है पैकिंग करनी होती है तब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन काम में नहीं आते तो यहाँ पे काम में आते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन काम में आते हैं यहाँ पे यहाँ पे काम में आते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्लियर तो यहाँ पे हम ध्यान दे कि यहाँ पे क्रोमेटिन के साथ साथ यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्योंकि ये क्रोमेटिन से बाइंड हो रहे हैं ये क्रोमेटिन से बाइंड हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्रोमेटिन से बाइंड होकर क्रोमोसोम बना रहे हैं तो यहाँ पे अब क्या होगा अब क्रोमेटिन से जब क्रोमोसोम बनाना होगा तो यहाँ पे हिस्टोन नहीं बाइंड करेगा यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमेट क्रोमोसोमल प्रोटीन इसको बाइंड करेगा क्लियर और क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या करेगा यहाँ पे बीच बीच में आके फंस जाएगा यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया तो इस तरीके से नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यहाँ पे आ गया और इस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की वजह से यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर है क्लियर है हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम है यहाँ पे क्रोमेटिन बना यहां से क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाना है तो यहाँ पे बीच बीच में आके फंस जाएगा कौन यहाँ पे बीच बीच में आके फंस जाएगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्लियर एनएचसी क्लियर और यहां पे बन जाएगा क्रोमोसोम अब क्वेश्चन क्या है कि हमारी बॉडी में अगर नॉर्मल कंडीशन है तो क्या होगा क्रोमेटिन सोलिनॉइड के फॉर्म में मिलेगा और ड्यूरिंग सेल डिवीजन केवल हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम की फॉर्म में सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है ये बात ध्यान रखना कि जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम मिलेंगे बिफोर सेल डिवीजन एंड आफ्टर सेल डिवीजन क्रोमेटिन ही मिलेगा क्लियर <coughs> यहाँ पे क्या है ये एन एच सी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्लियर ये बात ध्यान देना डीएनए था डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ क्या बना क्रोमेटिन थ्रेड बना ये क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमेटिन थ्रेड ये क्रोमेटिन थ्रेड है क्लियर यानी कि यहां से लेके और यहां तक की बाइंडिंग में हिस्टोन ने मदद की अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ही काम करेगा तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है डीएनए क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम डीएनए एक डबल हेलिक्स है लंबा है बिना किसी बाइंडिंग के है तो डीएनए अकेला है जब डीएनए के साथ हिस्टोन आ जाता है तो क्रोमेटिन बनता है और जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है थिक हो जाता है और एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है उसको ही हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम सो डीएनए इज अ सिंगल विदाउट एनी क्रोमोसोम एंड डीएनए विद हिस्टोन इट फॉर्म्स क्रोमैटिन थिक कंडेंस एंड फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दीज स्ट्रक्चर एज क्रोमोसोम्स राइट नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के फंक्शन क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये क्रोमेटिन सोलिनॉइड पे आके बाइंड हो जाता है और जैसे ही क्रोमेटिन सोलिनॉइड पे आके बाइंड होता है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है कंडेंसेशन करता है डिहाइड्रेशन भी करता है और ऐसा होने के बाद जो क्रोमोसोम है उसका फॉर्मेशन हो जाता है बट ये कब होता है ड्यूरिंग सेल डिविजन जब यानी कि जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब प्रोफेज में फंक्शनल एक्ट एज एंजाइम एज एन एंजाइम एंजाइम की तरह ये काम करता है अब एंजाइम की तरह काम क्यों करता है ये इंपॉर्टेंट है इसको अगर हम देखें मान लीजिए ये डीएनए है डीएनए है इस डीएनए से जब आरएनए बनाना होगा डीएनए से जब आरएनए बनाना होगा तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन क्या बोला जाएगा इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन इस ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के साथ जो बाइंड करेगा आरएनए बनाने के लिए उसको हम बोलेंगे आरएनए क्या बोलेंगे आरएनए एन पॉलीमरेजेस यानी कि आरएनए एन पॉलीमरेजेस डीएनए को आरएनए बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए पे बाइंड कर रहा है आरएनए बनाने के लिए वो आरएनए पॉलीमरेजेस है और इट इज नथिंग बट थिंग बट एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज नथिंग बट नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन तो हम ये कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर एंजाइम की तरह एक्ट कर सकते हैं और ये एनजाइम की तरह एक्ट करेंगे तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में भी मदद करेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर डी एन ए में यहाँ पे काम करें तो ये डी एन ए पॉलीमोरीज की तरह भी काम कर सकते हैं आर एन ए पॉलीमोरेजिस की तरह भी काम कर सकते हैं नेक्स्ट इज रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन रेगुलेटरी रोल भी है स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाते हैं और किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं या बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं तो ये सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे क्लियर ये जीन रेगुलेटरी फंक्शंस में सारे फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे हम इन पॉलीमरीजेस का रोल भी आगे

यानी कि न्यूक्लियोसोम कम है न्यूक्लियोसोम कम है तो हम बोलेंगे कि यहां पे हिस्टोन भी कम है यहाँ पे हिस्टोन भी कम है लेस हिस्टोन है यहां पे न्यूक्लियोसोम ज्यादा तो हिस्टोन ज्यादा क्लियर है यहां पे न्यूक्लियोसोम दूर दूर है तो यानी कि इनकी पैकिंग जो है वो ढीली है लूजली पैक्ड दिख भी रहे

डीएनए किस पे बाइंड हो रहा है, bind हो रहा है? की कम कम है? कम है? तो डीएनए भी कम होगा यहाँ पे हिस्टोन है तो naturally DNA भी में। तो भी ज़्यादा होगा में। में लेस डीएनएसटोन एंड इन हिटरोटिन मोर हिस्टोन सो मोर डीएनए लाइट स्टेंट एंड दीज आर डार्क स्टेंट अब सबसे पहले जब भी हमें क्रोमेटिन को देखना होता है या किसी भी सेल ऑर्गेनल को देखना हो या डीएनए को देखना हो तो हम डाइज उनपे लगाते हैं यानी कि हम उन्हें डाई से ट्रीट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन से डाई से इन्हें ट्रीट किया जाता है सो दे आर ट्रीटेड विथ एसिटो कारमाइन इसको ट्रीट किया जाता है क्रोमेटिन को ट्रीट किया जाता है एसिटो कारमाइन से जो कि एक बेसिक डाई है जो कि एक बेसिक डाई है ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम होने वाला क्वेश्चन है कि किस डाई से क्रोमेटिन को स्टेन किया जाता है रंग दिया जाता है कलर दिया जाता है तो दैट इज एसिटोकारमाइन एसिटोकारमाइन से इसको रंग दिया जाता है जब इस पे रंग आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि यहां पे ये डीएनए जो है ये दूर दूर था तो ये लेस स्टेन हुआ यहाँ पे डीएनए बहुत पास 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 है तो ये डार्कली स्टेंड रहे यानी यह कि यहाँ पे रंग गाढ़ा है और यहाँ पे जो रंग फीका है ये डार्क है ये लाइट है ये लाइटली स्टेंड है ये डार्कली स्टेंड है क्यों क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो है वो ज्यादा है यहाँ पे डीएनए है वो कम है नेक्स्ट हम बात करें अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो पार्ट है यानी कि ये जो पार्ट है जहाँ पे न्यूक्लियोसोम दूर-दूर है और दूर-दूर जहां पे न्यूक्लियोसोम है वो वाला हिस्सा कौन सा है यूक्रोमेटिन तो इस यूक्रोमेटिन पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया जब इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया तो यहां पे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा तो ये तो डीएनए है आरएनए पॉलीमरेज का मतलब है ये इस डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करवाएगा डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन यानी कि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड होना आसान है और अगर आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड होना आसान है क्योंकि लूजली पैक्ड है आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल जाती है बाइंड होने की तो हम क्या बोलते हैं यूक्रोमेटिन के लिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना एक्टिवली हो रहा है बट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव है क्यों इनएक्टिव है क्योंकि तो यहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह है यहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह है, प्रेजेंट नहीं है तो ये बातें आपको याद रखनी है ऑल दो ये जो टॉपिक है ये क्लास का टॉपिक जब हम सेल टॉपिक पढ़ते हैं तो ये पार्ट हम पढ़ते हैं तो यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमैटिन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से यूक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम दूर दूर है हिट्रोक्रोमेटिन में पास पास हैं अगर न्यूक्लियोसोम दूर दूर है यानी कि कम है तो कम है तो कम डीएनए है कम हिस्टोन है स्टेन भी कम लेगा पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा क्लियर यहां पे ज्यादा हिस्टोन, ज्यादा डीएनए डार्कली स्टेन होगा बट ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होगा तो ये बातें ध्यान रखनी है क्योंकि इनपे क्वेश्चन एज इट इज फ्रेम हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द यू एंड द हिटरोन